नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। जैसे कि यहाँ पर अनित सर भी यहाँ पर उपस्थित है और यह वीआईपी पार्टी के हमेशा मतलब ये चर्चे में रहते हैं और वीआईपी पार्टी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास उपार्जित धन से ज्यादा बनाए हुए रिश्ते, संपर्क और स्नेह की अमूल्य पूंजी है। उसी रिश्तों में से एक रिश्ता विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी से है। उन्होंने बोला कि 17 तारीख को हमको छठ में नारियल का वितरण करना है और मैं प्रत्येक साल समाज सेवी के नाते वितरित करता हूं और प्रत्येक साल हम लोग इसमें सम्मिलित भी रहते हैं। और रही बात श्रम दान की, तो छठ मैया का त्योहार है और इसमें श्रम दान अगर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हम लोगों जैसे लोगों को, तो ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। जो आप श्रमदान ये कर रहे हैं आप लोग, और आपको देखा गया एक बहुत अच्छा चीज लगा, आप पढ़ाते भी हैं, टीचर हैं, बच्चों को मतलब भविष्य उज्जवल करते हैं, बनाते हैं। उसके अलावा बहुत लोग हिचकते हैं मतलब बोरा वगैरह में उठाने के लिए, लेकिन आपने जो गाड़ी आई उसमें आप देख सकते हैं, आप लोग कैमरा में मतलब चल भी रहा है स्क्रीन पे, कि इन्होंने क्या किया, बोरा को अपने कंधे पर सर पे उठा उठा कर ये रखा है। तो सर ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये कहाँ से आया सर? देखिए, ये नारियल हम लोग मंगाते हैं बाहर से, थोड़ा सस्ता पड़ता है, और क्योंकि बांटना है हम लोग को, व्यवसाय थोड़ा ना करना है। और रही बात आपने जो बात बोली कि सर ने बोरा उठा उठा करके यहाँ रखा है, तो आपको बता दूं कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो हम लोग घर से कुछ दूरी पे हरखुआ मिल है, लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर, तो हम लोग बैलगाड़ी से हम लोग गाना भी लाद करके, ऊख को लाद करके और बैलगाड़ी से ले जा करके चीनी मिल में गिराए हैं, हरखुआ मिल में। धान भी रोपते हैं, गेहूं भी रोपते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी किसान हैं, यानी किसानी का भी हम लोग काम कर लेते हैं, और खेती गृहस्थी हम लोग के मन समझिए कि रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि किसान के बेटा हैं। अच्छा सर, एक चीज देखने को मिला है कि जब भी विकासशील इंसान पार्टी की बात होती है, क्योंकि आप लोग विकासशील इंसान पार्टी से जुड़े हैं यानी वीआईपी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हमेशा नदी के तीर ही दिखते हैं। मतलब कुछ दिन पहले आप लोग को देखा गया नाव पे, उसके बाद से नदी में जा जाकर मछली छोड़ना, ये छोड़ना, और फिर जो कार्य हो रहा है नारियल भी, ये भी कहीं ना कहीं नदी तिर ही जाएगा, यानी जो छठ पूजा है बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो ये भी नदी के पास ही जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप लोग वीआईपी पार्टी में जो जुड़े हुए हैं, क्या बहुत मतलब अच्छा कारीगर साबित होंगे या अच्छा कर रहे हैं? देखिए, हमको हम आपको बार बार समझा रहे हैं और बार बार आप हमसे डिकोड करना चाह रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी के बारे में। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों के पास, हमारे पास, खास करके मेरे पास उपार्जित धन से ज्यादा बनाए हुए रिश्ते, संपर्क और स्नेह की अमूल्य पूंजी है। उन रिश्तों में से एक रिश्ता विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास यादव जी से भी है। उनका जो आदेश होता है वो हम लोग पालन करते हैं। रही बात 24/7 वो सदर अस्पताल में रहते हैं और खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं। लेकिन श्रीनिवास यादव जी एक ऐसा नेता है जो औरों की खातिर, सिवान ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों के खातिर, एक दीपक की तरह 24/7 जलते हैं। तो कहने का मतलब, जब छठ की बात होती है, छठ व्रत की बात होती है, तो नदी के किनारे ही अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये छठ प्रतीक है, यानी जो आया है उसको जाना है और जो जाना है वो आना भी है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि ये छठ पर्व है, ठीक है, लेकिन हमेशा श्रीनिवास यादव के, जिस तरह से आपने बातें किया, तो श्रीनिवास यादव जी हमेशा से जो समाज सेवी श्रीनिवास यादव लगा हुआ था, तो समाज सेवी किसी बैनर के नीचे नहीं करते थे। क्या इस बार, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या इस बार वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विकासशील इंसान पार्टी के वो सिवान जिला अध्यक्ष हैं श्री श्रीनिवास यादव जी, क्या इस बार बैनर के नीचे इसको वितरण किया जाएगा? देखिए, श्रीनिवास यादव के लिए कोई बैनर वगैरह नहीं है, लेकिन हर बार रहा बात समाज सेवी की, तो बिहार सरकार द्वारा उनको गुड समेरिटन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो वो समाज सेवी तो वास्तव में है। और रहा बात ये नारियल का वितरण करना है, तो नारियल का वितरण करना है तो स्वाभाविक है वो विकासशील इंसान पार्टी से जुड़े हुए हैं,
तो उसके बैनर तले इस बार वितरण करेंगे। और प्रत्येक साल तो समाज सेवी के नाते वितरण करते थे, तो श्रीनिवास यादव ही ना समाज सेवी है, चाहे विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष। चलिए आपसे बातें तो बहुत हुई, लेकिन कल हम ये जानना चाहेंगे कि कल जो वितरण होगी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो कितना बजे से वितरण होगा और कितना बजे तक आकर इसको मतलब इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी कहां कहां ये भी जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं, हम लोग अभी आप लोगों से जो जुड़े हुए हैं, ये प्रांगण है आईबी का, पुराने वाले आईबी का, और इसके गेट के सामने ही थोड़ा बगल में, यानी बोल सकते हैं दहा नदी पुल के बगल में, या गोपालगंज मोड़ पे, या बोल सकते हैं अम्बेडकर जी का जो पार्क है उसके प्रांगण में नारियल का वितरण होगा। और जो भी श्रद्धालु हैं आप 1 बजे कल आ सकते हैं, यानी दिन शुक्रवार को 17 तारीख को, शुक्रवार को आप 1 बजे से आइए और आपको ये जो नारियल दिया जाएगा ये सब प्रेम भेंट है हम लोग के तरफ से। और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और लास्ट में एक संदेश हम यही देना चाहेंगे कि जीवन में जो भी हम धन अर्जित करते हैं, पद और पैसा पर ध्यान देकर काम करते हैं, तो पद और पैसा का अंत सुनिश्चित है, लेकिन सेवा भाव से जो हम काम करते हैं और उससे जो मेवा मिलता है, इसका अंत ही नहीं है, ये अनंत है। और आप सभी का अनंत आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो, यही छठी मैया से कामना है और प्रार्थना है। और पूरा सिवान ही नहीं, पूरे प्रदेश में या देश में सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि हो, माता छठ मैया से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। तो ये थे अनीश सर। और आपको यह बता दें कि जो छठ पर्व है, इसका जो वितरण होने वाला है गोपालगंज मोड़ पर, तो ऐसे ही हकीकत हम आपको दिखाते रहेंगे और ऐसे सच्चाई। बने रहे हमारे साथ, यस7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।